फहराने को बहुत ही खूबसूरती से सजाया जाता है। दोनों इस गाने को चार चांद लगाए हैं, बहुत ही खूबसूरत गाना है और निधि ने मेरे साथ में इस गाने को गाया है। तो ओवरऑल ये गाना सब लोगों ने मिलकर इस गाने में काम किया है, तब जाके एक ही खूबसूरत गाना और एक खूबसूरत वीडियो बना है। बहुत ही प्यारा सॉन्ग, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग, बहुत ही अच्छा टाइप किया है। और वो कहता ना कि कुछ चीज ऐसी होती है जो हमेशा के लिए याद रह जाती है, तो ये उन गानों में से एक गाना है जो मुझे हमेशा याद रहेगा, जो मेरी जबान पर हमेशा रहेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये गाना गाकर और इनके साथ में तीनों के साथ में काम करना, बहुत अच्छा लगा। मेरे पास एक्चुअली ना बोलने के लिए बहुत कुछ है। मेरा ये पहला गाना था एंड आई एम सो सो हैप्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सलमान से शुरू करूँगी। सलमान हम सबको पता है कि कितने अमेजिंग सिंगर हैं, मतलब हम सबके फेवरेट है, कुछ बोलना ही नहीं है, वी ऑल लव हिम। और आइडल के टाइम से ही सलमान को तो सब फॉलो करते ही हैं, हम सब सुनते ही थे। और फिर जब मुझे पता चला मेरे को इनके साथ गाना है, उसकी खुशी है इतने सुंदर एक प्रोजेक्ट का पार्ट बनके और सलमान के साथ गा करके, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है। सलमान सबके फेवरेट हैं, मेरे भी बहुत शुरू से ही फेवरेट ही हमेशा से थे। और हम सबको पता है कि सलमान कितने अच्छे सिंगर हैं, उनका सुर इधर से उधर नहीं होता जल्दी। तो आई वुड से मैं एक्साइटेड थी बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स, लेकिन मेरे को इतना डर भी लग रहा था ना क्योंकि उनके साथ गाना था। बट आई डोंट नो, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और बात फिर जब हमने वीडियो, गाना तो बहुत ही अच्छे से हो गया था, वो तो पता ही था अच्छे से हो जाएगा, बट वीडियो जब देखा ना ओवरऑल इतना मज़ा आया। सर और मैम ने क्या काम किया है, बहुत बहुत मैं बहुत ज़्यादा खुश और बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं इसका पार्ट बन सकूँ। थैंक यू सो मच। तो हमारा शूट तो मुंबई में ही हुआ, फिल्म सिटी में। तो जब नागेश जी और जो हमारे डायरेक्टर है नूर, नागेश जी हमारे प्रोड्यूसर है, और नूर आए थे मेरे घर पे मुझसे मिलने, तो उन्होंने कहा कि ये जो गाना है हमको थोड़ा इंटेंस चाहिए, तुम बहुत चॉकलेट बॉय टाइप के हो, तो तुम ये कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उनको डाउट था। फिर बोला मुझे, मतलब थोड़ा हाइप किया प्रोजेक्ट को कि सलमान गाने वाला है तो गाना इस लेवल का होगा, हमको लार्जर देन लाइफ गाना चाहिए। बट इसके शूटिंग में हम शायद लार्ज नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ऊंचा गाएगा वो, म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, पावरफुल था। तो दे वॉन्टेड कि जब लड़की मरेगी तो जो सारे सीक्वेंसेज है वो मैच होने चाहिए, विजुअल और ऑडियो मैच होना चाहिए। तो सर चाहते थे कि जब रोए तो वो एकदम ऐसे लगना चाहिए कि हाँ मरी है लड़की और वो सच में प्यार करता है। एंड तो ये सारा प्रेशर था मेरे ऊपर। फिर मैं आयरा से मिला तो इतनी खूबसूरत लड़की है, तो मैंने बोला कि यार लड़की खूबसूरत है, जो सलमान ने गाना गाया है वो खूबसूरत है, अभी सिर्फ मुझे इस पर परफॉर्म करना है और मुझे भी ये खूबसूरती बाहर लानी है कि सबको लगे कि यार सब जस्टिफाइड है, सबने अच्छा काम किया है। एंड आई डिड माई बेस्ट, जो जितना मैं कर सका, तो मेरा तो 100% था। अभी अगर आपको 100% लगे तो ग्रेट, नहीं लगे तो फिर तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है, बिकॉज मैंने पहले ही बोला था कि मुझे ऑडियो, मुझे सॉन्ग इतना पसंद आया था जब मैं डायरेक्टर से मिली थी, डायरेक्टर सर से मिली थी एंड प्रोड्यूसर से, इनसे साथ में ही मिली थी। एंड फिर हम इनके घर इनसे मिलने गए एंड सारी स्टोरी उन्होंने सुनाया कि ये होगा आपका जो कैरेक्टर होगा वो काइंड ऑफ लेडी डॉन कैरेक्टर जो मोस्ट वॉन्टेड है और पुलिस उसकी खोज में है। सो जब मैंने सुना तो इट वॉज रियली लाइक कि हाँ, मुझे लगा कि हाँ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। एंड फिर शूट हुआ, इट वॉज रियली नाइस एक्सपीरियंस टू वर्क विद ऑल द आर्टिस्ट। एंड ऑल क्या, तेरा एक ही आर्टिस्ट है? All the artists means कि like और भी थे, सर भी थे, हाँ सर भी थे काफी, हाँ। एंड मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, मुझे गाना बहुत पसंद है, ऑडियो इज रियली नाइस, आई लव दिस सॉन्ग, आई लव योर वॉइस, या।
मैंने बता दिया सबसे पहले बोनी मुझसे कह रही है आपसे जानना चाहती हूँ कि मेरी गाना है कितने स्टैंड पे नहीं गाना मिला था क्या बोलना है आप ट्रेन में जाने गाना क्या बोलना चाहते हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ प्यार मिल रहे हाँ मतलब ये जो गाना है इसमें जो मेरे हिसाब से जो होना चाहिए बहुत इंटेंस लव स्टोरी जो होती है उस टाइप का गाना है तो जैसे स्टोरी चल रही है तो बेसिकली एक्चुअली ऐसे ही गाने फिल्मों में होने चाहिए क्योंकि मुझे पर्सनली इस टाइप के गाने बहुत पसंद है एंड लव सॉन्ग्स ऑफ कोर्स लोगों को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है आजकल जो जनरेशन है और लोगों को बहुत कनेक्ट करता है तो या बस हमारी काफी अच्छी बॉन्डिंग रही है एक्चुअली फर्स्ट मीटिंग में ही कभी कभी कुछ लोगों के साथ दोस्ती हो जाती है और कभी तो पूरा शूट कंप्लीट कर लो आप तब भी दोस्ती नहीं होती तो हमारा ये इनका जो नेचर है आप देख सकते हो सबके सामने बहुत पॉजिटिव है बहुत वार्म है एंड तो पहली मीटिंग में वो पॉजिटिविटी आ गई और जो भी गाना था तो मेरे लिए काफी आसान था सिर्फ मैं उन्हें देखता था स्माइल करता था और ओके हो जाता था ठीक राइट तो हमारे जो प्रोड्यूसर है नागेश जी वो बहुत पैशनेट है अपने प्रोजेक्ट को लेके अपने वीडियोस को लेके उनका जो विजन है वो सिर्फ वीडियोस तक सीमित नहीं है मुझे ऐसा लगता है कि वो फिल्में बनाना चाहते हैं तो जो पैशन वो उस फिल्म तक अभी पहुंचे नहीं है वो वीडियो में निकालते तो जब वो मुझे स्टोरी बता रहे थे आई रियलाइज कि यार यहाँ पे ना 19-20 नहीं हो सकता यहाँ पे 20-21 करना पड़ेगा क्योंकि उनकी बहुत क्या बोल सकते हैं ड्रीम्स थे इसलिए तो वो ट्रू ड्रीम भी नाम रखा है तो जो सप जो आदमी सपने लेकर आपके पास आता है ना उसका आप दिल नहीं तोड़ सकते तो आई सॉ दैट पैशन आई सॉ कि यार वो चाहते हैं कि उनका हर वीडियो हर गाना बेस्ट से भी बेटर हो और अगर वो एक्टर ढूंढ रहे हैं परफॉर्मर ढूंढ रहे हैं उसे भी उतना ही अच्छा काम करना पड़ेगा तो ये सब सोच कर समझ कर हम इस सेट पर गए टाइम पर गए ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो 5 बजे का टाइमिंग दिया था सुबह को अभी मुझे भी पता है हम इतने सालों से इंडस्ट्री में 5 बजे किसकी शूटिंग स्टार्ट होती बट लगा कि चलो अभी नए प्रोड्यूसर है नहीं जाएंगे टाइम पे उनको लगेगा एक्टर्स अनप्रोफेशनल है फिर वो नेक्स्ट टाइम कुछ और बनाने से पहले 10 बार सोचेंगे तो हमने भी इंडस्ट्री का नाम रखने के लिए अपनी तरफ से सब कुछ किया ताकि प्रोड्यूसर को लगे कि हाँ इंडस्ट्री साफ है यहाँ पे और प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं थैंक यू और ये अंडी इरफान अली सर ने इरफान अंकल ने जो किया है ही सच अ ब्रिलियंट मतलब कि जब मैं पहली बार मुझे बहुत अच्छा लगा और उनका जो गाने का नॉलेज है वो इनफिनाइट है तो इतना ही मैं कहना चाहती हूँ कि गाने को बहुत सारा प्यार है और जो थोड़ी सी मेम्बर्स और आदमी आदत ये भी बहुत लव और सपोर्ट और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आई होप कि इसे इस सॉन्ग भी बहुत सारा सर एक्चुअली क्या है ना सर हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं हम सर पे कितनी भी गलतियां करते तो सर का ये नेचर है कि छोटे भाई की तरह हमको क्या ना ट्रीट करते हमको मौका देते अभी हमसे गलतियां होती है सही सी बात हर एक से होती है लेकिन सर क्या है ना हमको छोटे भाई की तरह ट्रीट करते अगर सर ना होते तो गाना मतलब शूटिंग के टाइम में पॉसिबल नहीं है तो सर असल में क्या है ना मैंने बहुत प्रोड्यूसर के साथ में जो मैंने काम किया है उनको क्या है ना उनको चीज़ों की समझ है उनको नॉलेज है ये सिनेमा लवर है अंदर से है ना इनके अंदर एक बहुत बड़ा एक्टर है कहीं ना कहीं मैं तो बोलूँ मजाक नहीं है मतलब आपने देखा ना कैसे परफॉर्म किया है मतलब पहली बार कैमरा को फेस करना मतलब आसान नहीं है आपको तो पता ही है मतलब बड़े बड़े एक्टर भी रीटेक सर का कोई रीटेक ही नहीं है वन टेक सर ने इतना मुझे खुद नहीं हो रहा सर क्या काम कर रहे आप समझ रहे हो ऐसा मतलब बस सर का हाथ है हमारे ऊपर तो हम चल रहे मौका दे रहे सर हमको
अभी एक और भी प्लान कर रहे, देखते हैं सर जब बोले इंशाल्लाह। आप पहले कास्टिंग करने कास्टिंग में मैंने किए तकरीबन 100 के आसपास की, 80 सीरीज के लिए, जी के लिए, सारे जमा के लिए, सबके लिए किए। बाकी अभी ये डायरेक्शन मेरा ऐसे चौथा या पांचवा है प्रोजेक्ट। एक शॉर्ट फिल्म भी किया था मैंने, नो ड्रग्स, वो ड्रग्स पे है ना, छोटे बच्चे लोग जो ड्रग्स के ऊपर चले गए, उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, नो ड्रग्स नाम था उसका। बाकी इसके पहले गाना बनाया, उसके पहले एक दिल्ली वाली लड़की बनाया, बाकी एक और प्लान करें इंशाल्लाह बहुत जल्दी। सर को मैं क्या है ना प्रोफाइल भेजता हूँ, पहले तो मैं कास्टिंग करता हूँ, फिर डायरेक्शन वाला पार्ट बाद में आता है। सर को मैं प्रोफाइल भेजता हूँ, सर ये अच्छी है, सर ये अच्छा है, सर ये अच्छी है, सर ये अच्छा है, फिर सर मतलब वो आता है ना, मतलब राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट ही ज्यादा जाता है, मतलब राइट बहुत कम जाता है। लेकिन जिसको ओके करते हैं वो फिर सर फिर वन टेक देता है, ये बहुत बड़ी बात है। शूटिंग मेड आइलैंड में किया हमने, अभी 10 दिन पहले किया शूटिंग, कोई लंबा नहीं, 10 दिन पहले किया। इसके अलावा और भी कर रहे हो? बाकी सर देंगे तो हम करेंगे बहुत जल्दी। इसके बाद मेरा एल्बम आ रहा है मेरे वास्ते, मेरे वास्ते जल्द ही आपको इसलिए मैंने बोला सर जब बोलेंगे तभी करेंगे। पहले तेरी आदत थी, अभी ये नैना मानेना डायरेक्ट करती है, उसके बाद अभी तेरे वास्ते पहले तो मैंने गाना देखा, गाना मेरे को बहुत अच्छा लगा, और वो एक बोलते हैं ना कि जो इंसान डाउन टू अर्थ होते हैं तो ऊपर वाला उनको और इज्जत देता है, तो ही इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, और नूर भाई का तो आप लोगों को पता है वी कैरी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन फ्रॉम पास्ट 5-6 ईयर्स। तो मैं तो दुआ करूंगा कि जो प्रोजेक्ट आप लोग साथ में कर रहे हो उसको चार चांद लग जाए और अच्छे लेवल पे जाएगा ना। सर क्या था भाई, हमें पता नहीं है। नहीं मेरे को नहीं, अब वो मेरे को नहीं पता, इनको खबर कैसे मिल जाती है भाई, कुछ बोल नहीं सकता हूँ मैं, बाकी ठीक है। होगा होगा होगा, डेफिनेटली हम सबको बिग बॉस में देखने को मिलेगा। एक्चुअली मैं बोलूं, जितने जो बिग बॉस के अंदर है वो वड़ा पाव पता नहीं कौन कौन है, उसको जानता ही नहीं कोई। ये जितना इसको जानते हैं, कहीं भी खड़ा कराओ, एक तरफ वड़ा पाव, एक तरफ आमिर सिद्दीकी, सब इसको जानते हैं। मतलब मैं अपना भाई इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली इसको कौन जुमा जुमा 8 दिन से वड़ा पाव जानते हैं। अब मुझे बात बताओ 15 कंटेस्टेंट के अंदर कितने को जानते हो? मीडिया वाले 2-3 को, बाकी नहीं। कैसा है मालूम है, बिग बॉस एक ऐसा शो है कि लोग वेट करते हैं शो के लिए कि हमको देखना है। मैं एज अ व्यूअर अभी बात कर रहा हूँ, एज अ कंटेस्टेंट ये सब वो दूसरी चीज है। एज अ व्यूअर मैं खुद ये शो एवरी डे देखता हूँ, अभी जैसे रात में आएगा मैं एपिसोड देखूंगा, मेरी आदत है रात को खाना खाते टाइम मेरे को देखना है। बिग बॉस लवर में आते हैं हम लोग ऐसा, मैं कहना तो ये इतना टीआरपी देने वाला है कि बिग बॉस की सबसे हाईएस्ट टीआरपी अलग चीज है, बट बिग बॉस का वड़ा पाव बना दे तू। बट ये टाइम क्या हो रहा है मालूम है, ये टाइम का जो शो में लोग गए ना, कुछ अच्छे लोग है, बट ये टाइम ऐसा हो गया कि घोड़ों के रेस में गधे दौड़ेंगे, वो वाली बात हो गई। मेरे को वो मजा नहीं आया कुछ लोगों को देख के, वो मतलब फीका लग रहा है, थोड़ा मिर्च मसाला कम है। बिग बॉस जाओ, और वो उनकी मर्जी है, मैं ऐसा नहीं 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 सर सर मेरे को अगर मेरे को जाने का रहेगा ना तो मैं अगले दिन चले जाऊँ, मेरे को उतना है। बट आमिर एक ऐसा इंसान है, मैंने कभी, अभी जैसे नूर एक भाई यहाँ पे बैठे हुए, हमारा एक भाईचारा अलग है, बट आज तक मैंने कभी भाई को बोला नहीं रहेगा भाई मेरे कोई प्रोजेक्ट दो या मेरे को काम दो। अगर आपको लगता है कि आमिर टैलेंटेड है, आमिर को देना चाहिए तो आप दो, बाकी अगर मैं मिलूंगा उनसे तो हम लोग वो दोस्ती और वो भाई वाले हिसाब से मिलते हैं। अभी अगर मैं सर को मिल रहा हूँ तो सर का नेचर अच्छा लगा, मैं सर से बात करूंगा, सर काम कैसा चल रहा है, लाइफ कैसी चल रही है, ये। बट मेरी वो आदत ही नहीं है कि मैं कभी ऐसा बोलूं, लालच नहीं है मेरे को, क्योंकि अगर मेरे नसीब में कुछ लिखा है ना वो मेरे पास अपने आप चल के आएगा। वो बोलते ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो जिस दिन मेरे नसीब में लिखा रहेगा कि मैं खाने वाला हूँ तो मैं खाऊंगा ऐसा है। मेरे को जो गाने की हुक लाइन है ना बहुत पसंद आई, और सलमान अली इज वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर, मतलब उसकी आवाज में जादू है, तो सलमान के लिए, सर के लिए, भाई के लिए मैं जरूर क्रिएट करूंगा एक अच्छा कॉन्सेप्ट। अब आप पे ये मेहमान अभी आते सच्ची बात, आपको क्या देखा आपने कभी ट्रेन गाने के बारे में?
जी गाना बहुत अच्छा लगा, हर इंसान चाहता है कि ऐसा प्यारा गाना करे, हर इंसान का विश होता है, ड्रीम होता है, और आजकल हर तरीके के गाना बन रहे हैं, बट ये जो गाना है बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, सबने बहुत ही मेहनत की है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो सब लाइक करें, शेयर करें, ताकि यू नो सब्सक्राइब करें। नहीं, गाने का डायरेक्शन बहुत प्यारा था, मतलब बहुत उम्दा डायरेक्शन था हमारे भाई के तरफ से। ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है और लिरिक्स भी इन्होंने लिखा है, यम्मी इरफान अली। तो इंटेंशन मेरा ये था कि कुछ अपना एक क्लासिकल टच भी रखे, हिंदुस्तानी क्लासिकल धीरे धीरे खत्म होता है, एक थोड़ा सा आगे आए और एक हिंदुस्तान का भी से कमर्शियल भी रहेगा ना, और गाने में बात हो कि एक हिंदुस्तानी क्लासिकल टच भी और रात में सब तो सोच के मैंने और मैंने अपने डायरेक्टर साहब को सुनाई और प्रोड्यूसर सर को, मतलब कुछ भी मैं बनाता हूँ, रेड टू ड्रीम पे हूँ, कुछ भी बनाता हूँ, नागेश मोहन सर को सबसे पहले सुनाता, हमारी प्रोड्यूसर लिंबू नागेश मोहन ने बनाया है वहाँ पर, तो उनको भी सुनाता हूँ, तो बहुत पसंद आया सर। मैंने कहा ठीक है, तो अभी जाते हैं इस पर, देखते हैं क्या होता है। मेरा नाम है नैना ना माने, और मुझे लगता है मेरी आंखों की बात तो फिलहाल सब मानते हैं, इंस्टाग्राम हो चाहे वो कहीं भी हो, और फिलहाल हमें इनकी नैनों की बात माननी पड़ेगी। सॉन्ग लॉन्च है नैना ना माने का, एंड इट्स सच अ ब्रिलियंट सॉन्ग, और नूर जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, न्यूज डायरेक्शन इज फैबुलस। मैंने गाना आने से पहले दो बार देखा अच्छे से, ईच एंड एवरी मूवमेंट, एंड जो भी आपने डायरेक्ट किया है इतनी बेहतरीन तरीके से, मैंने वो सारा अच्छे से देखा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द होल टीम ऑफ नैना ना माने। नैना ना माने के डायरेक्टर नूर जो है, नूर भाई हमारे साथ काफी सालों से जुड़े हैं, उनका बहुत अच्छा काम है, गाना मैंने सुना, सलमान की आवाज बहुत ही प्यारी है, तो गाना बहुत अच्छा है, और मैं दुआ करता हूँ कि गाना बहुत सक्सेस करे। मैंने तो आज ऑलरेडी कमेंट कर दिया कि गाना सुपर हिट है, तो मेरी दुआ है, मेरा साथ सलमान और नूर भाई के साथ में है, कारकार बहुत अच्छा है और बहुत ही प्यारा है, तो मुझे लगता है जो नई जनरेशन है उसके लिए रोमांटिक पनी के हिसाब से गाना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना प्यार लोगों ने हमारे गाने को दिया है उतना ही प्यार नूर भाई के गाने को दिया। नूर भाई है, मैं उनको तीन चार साल से जानता हूँ, काफ़ी मेहनती इंसान है, और उन्होंने गाना काफ़ी अच्छा डायरेक्ट किया है, मैं इंशाल्लाह चाहूँगा कि गाना और आगे जाए और नूर भाई ऐसे बहुत खूबसूरत खूबसूरत गाने बनाते रहे। क्या बात है, आपको बोलो जैसे खुशी देना चाहते हैं। जी बहुत सही लगा, मुझे भी गाना अच्छा लगा, और जैसे समीर भाई अपने बोल रहे कि नूर भाई को मैं भी जानता हूँ और इन्हीं के थ्रू जानता हूँ, बहुत टाइम हो गया, 4-5 साल से कास्टिंग डायरेक्टर से डायरेक्टर तक का सफर उनका हमने देखा है, और काफी मेहनती इंसान है वो, और गाना तो देख खैर मैंने इतना अच्छे से नहीं देखा या सुना है, बट जितना सुना है उतना मुझे बहुत अच्छा तो लगा है, और बाकी जो भी बोलेंगे हमारे ईशान भाई बोलेंगे, इनका रीटेक है ना, पिटारे में भी कुछ नहीं, पिटारे में सांप होता है। अभी फिलहाल मैं फोकस कर रहा हूँ मेरे बिजनेस पे, इंशाल्लाह काफी सारी चीज आने वाली है, काफी सारे प्रोडक्ट्स मेरे आने वाले हैं, और लेट्स सी देखते हैं कि बड़ा प्रोजेक्ट आ सकता है नेक्स्ट ईयर। Yeah, he's already done. Especially I'm in love with the voice of Salman and we are very good friends. And I think गाने को बेहतरीन सिंगर का बहुत बड़ा हाथ होता है गाने को बेहतरीन बनाने में, and I think who is better than Salman, and recently उन्होंने एक reality show किया है which is बहुत अच्छा गया वो reality show, and I saw all the episodes. But ये गाने में जो उनकी voice है वो एक अलग ही निखर के आ रही है, and I really want कि मैं अगले बहुत सारे romantic songs करूँ, sad तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, थोड़ा सा romance वाला जरूरी है especially मेरे गानों में, थोड़े से कुछ नहीं होगा भाई। भी बहुत अच्छा डायरेक्टर है, देखो यार मैं मेरे दोस्तों को सपोर्ट करने आता हूँ इसलिए आया हूँ, गाना भी बड़ा अच्छा है,
और कुछ अभी सब कुछ तो लिया यार अब इसमें ऑल द लक उनका गाना अच्छा है चलेगा और लोगों को देखना चाहिए नए लोगों को भी सराहना चाहिए और वो रुस्लान मुमताज पुराना एक्टर है वो अच्छा एक्टर है वो अच्छा काम किया जैसा सर ने कहा सर की एक एक बात को मैं कह रहा था सेम टू यू सर को कहूँगा बहुत अच्छी बातें कही इन्होंने और इजाज़ भाई का यही जलवा है जिस महफिल में जाते उस महफिल का इजाज़ बन जाते हैं शान बन जाते हैं जान बन जाते एक नंबर मानस एक जमाना था कपिल शर्मा को अगर किसी ने पानी पिलाया है असल जिंदगी में और स्क्रीन पे वो ये आदमी है और मैंने देखा वो लोगों ने भी देखा है ये बात और है ये भी कपिल की तूती बोल रही है विश हिम ऑल द लक ही इज गुड ही इज नाइस बट आई लाइक दिस गाय वेरी मच ही इज आल्सो नंबर वन मानस और इस एल्बम के लिए कहूँगा सर कि बहुत ही अच्छा एल्बम है म्यूजिकल है सलमान अली अपना इंडस्ट्री का सलमान अली भाई जो है मैं कहता हूँ बहुत प्यारा प्यारा बच्चा है सलमान नाम का बंदा है मगर शादीशुदा है तो और उन्होंने गाना गाया क्योंकि उनके नए नाम माने नया मटकता हो ही गया तो सलमान अली को शिवा भाई को उनकी पूरी टीम को और रुस्लान को रुस्लान मुमताज जो हमारी वेटरन एक्ट्रेस अंजना मुमताज जी का सुपुत्र हैं और पूरी टीम ही बहुत पॉजिटिव है बहुत प्यारे लोग हैं आप सब लोग अपने माध्यम के जरिए जितना उनको प्रमोट कर सकते जैसे आपने मेरी फिल्में भी की है गाली गलौज फिल्म आपने पिछली बार प्रमोट की थी जो रिलायंस एंटरटेनमेंट पर है डॉन सिनेमा पर है SRK म्यूजिक पर है सुनील पाल कॉमेडियन ऑफिशियल सुनील पाल ऑफिशियल पर है और अब मेरी आने वाली फिल्म है कॉफ़ी विथ अलोन करण जोहर से कोई संबंध नहीं है कॉफ़ी विथ अलोन एक फिल्म है जो आपको बड़ा मज़ा आएगा सेंसर में गई हुए वापस आएगी जब आपको मैं प्यार भरी इन्विटेशन भेजूंगा आप जरूर आशीर्वाद दीजिए प्यार दीजिए आप सब जियो हजारों साल यही तहे दिल से दुआ दे रहे हैं इजाज खान और सुनील पाल लव यू ऑल देख मेरे भाई बादशाह से लड़के जीत सकते हो लेकिन तकदीर वाले से लड़के नहीं जीत सकते हो और शाहरुख खान तकदीर वाला है वो बादशाहों का बादशाह है और आई थिंक सो इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग एक्टर बॉलीवुड है राइट नाउ जिसके बच्चे सामने एक जमाने में गाना गा दिया था और जिसकी बीवी गोरी उसका भी बड़ा नाम है जिसकी बीवी गोरी तो भैया गौरी जिसकी बीवी होगी उसका तो बड़ा नाम ही होगा तो SRK भाई शाहरुख साहब के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वो आदमी स्वदेश में भी था और विदेश प्रदेश में भी था इसलिए इंडिया में भी और ओवरसीज में भी उनको प्यार मिलता रहेगा और भैया चाहे उनकी फिल्म देखने के लिए हमको डंकी मार के भी जाना पड़े हम जरूर देखेंगे क्योंकि SRK हम आपके सामने हैं आप अपना दिल हार के अपने सुंदर मुखड़े से कोई मुखड़ा गाओगी अरे वो सलमान का है इसका मतलब ये होता है लड़कियां झूठी होती है और एक 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 सबको नमस्कार अभी ये जो एल्बम अभी रिलीज हुआ आज रैना मानेना उसके बाद ट्रू ड्रीम म्यूजिक कंपनी अगला एल्बम है उसका नाम है तेरे वास्ते
तो वो गाना एक रोमांटिक गाना है और उसमें काम करेगी हमारी हीरोइन एक्ट्रेस आचल जैन जो आपके सामने बैठी है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए हमारे प्रोजेक्ट की तरफ से तेरे वास्ते की हीरोइन आज मैं अनाउंस करता हूँ और तेरे वास्ते जल्दी एक रोमांटिक सॉन्ग आपको देखने के लिए मिले। लेके बहुत खूबसूरत सा दूसरा सॉन्ग भी आपके सामने लाएंगे। बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि पहली बार नूर के साथ सर के साथ इरफान सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा। ये हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है 15-20 डेज से पहले से हमारा काम स्टार्ट हो गया। अभी सर जब भी बोले सर जब भी बोलेंगे सर हाँ इरफान भाई एक दो लाइन अगर आप हाँ हाँ और इसके मुझे डायरेक्टर विश्वास आदमी और इसके मेरे वास्तव के जो डायरेक्टर है अपने नूर भाई है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच इरफान भाई एक लाइन गा के सुना तेरे वास्ते जो हम शूट करने वाले हैं अभी तेरे वास्ते एक लाइन हाँ अभी उसके सीन भी हमने डिसाइड अभी हम करेंगे बट अभी हमने एक माइंड में थोड़ा सा काम सही है जो अभी आए थे लेकिन अभी मौजूद नहीं है किसी कारण बस चले गए। मैं तो मुझे डॉक्टर बट आप लोगों के लिए एक लाइन गा के सुनाइए आप वो दे सकता हूँ। हाँ तेरे वास्ते एक छोटा सा अब तुझ में ही दुनिया मेरी अब तुझ में ही मेरा शान है। तेरे वास्ते एक छोटा सा वाह क्या बात है। Thank you so much, thank you so much, आप सबका thank you so much.